नमस्कार, स्वागत है आपका बात विभाग में। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के चर्चित चेहरे फिल्म स्टार अनुज शर्मा, जो अब अभिनेता से नेता भी बन गए हैं। अनुज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनेता के तौर पे कई बार आपसे बातचीत हुई और ऑफिशियली नेता के तौर पे क्या कुछ फीलिंग आ रही है नेता वाली? देखिए, मैं लोगों के बीच जाते रहने की मेरी आदत है, संपर्क में हमेशा रहा। पूरे छत्तीसगढ़ भर मुझे आने जाने का और लोगों से मिलने का सौभाग्य मिलता रहा है, तो मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक आपका नजरिया होता है, एक आपकी सीमा होती है एज एन आर्टिस्ट। आपके पास एक लिमिटेशंस होते हैं कई चीज़ों के, लेकिन अब आप एक राजनीतिज्ञ के तौर पर जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ के काम करते हैं तो आपके लिए स्कोप ज़्यादा बड़ा हो जाता है काम करने का। प्रचार तो आप पहले भी करते रहे हैं जी, लेकिन यहाँ बीजेपी में ऑफिशियल शामिल होने के लिए क्या पहले से कुछ सोचना पड़ा या विचारधारा क्या दिमाग में आया, क्यों बीजेपी में? सत्ता में तो कांग्रेस है अभी। देखिए, सवाल सत्ता या विपक्ष का नहीं होता है, सवाल होता है विचारधारा की। आपको कौन सी विचारधारा पसंद है? तो मैं एक चीज देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमेशा राष्ट्र प्रथम बोलती है, जो एक सशक्त एक समृद्ध भारत के लिए काम करती आई है। और एक जो आर्टिस्ट होता है वो कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है, उसका भी कहीं ना कहीं अपने आर्ट कल्चर राष्ट्र प्रेम उसके अंदर जो भावना होती है, वो बात मुझे लगता है कि हमारी लिंक हुई। और मैं इस सोच का रहा हूं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के तौर पे काम करूं। कैसे, ये टाइमिंग बहुत अहम है, पहले से सोच के रखी गई थी? आपने तय किया, पार्टी ने तय किया, कैसे ये शामिल हुए? देखिए, ये सब संयोग की बातें होती हैं कि बहुत सारे आसपास के लोगों ने जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझसे स्नेह रखते हैं, मेरे शुभचिंतकों ने, और मेरे मन में भी ये विचार था कि 23 साल तक मैंने सिनेमा में काम किया और लोगों का बहुत प्यार मुझे मिला, और उसके बाद मुझे लगा कि वो जो मेरा सीमित दायरा है उसे बड़ा करना चाहिए और राजनीति के माध्यम से मुझे लोगों के बीच जाना चाहिए और छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए काम करना चाहिए। एक जब आज ये बात आई कि अनुज शर्मा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा, अच्छा क्या पहले शामिल नहीं थे क्या, बीजेपी में नहीं थे? तो एक लोगों को था, आपकी करीबी तो थी बीजेपी के साथ। देखिए, मेरी विचार, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ, ये सभी जानते थे, लेकिन मैं औपचारिक रूप से राजनीतिक दल का सदस्य नहीं था। अब मुझे लगा कि वक्त आ गया है कि मुझे एक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बन जाना चाहिए, एक सदस्य बन जाना चाहिए। चुनाव लड़ने की भी बात हुई है? नहीं, मैं देखिए, आप इस तरह से राजनीति में आना मैं उचित नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि आप जब पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, आप काम करिए और पार्टी जो भी निर्देश देगी मुझे, जो भी दायित्व देगी, जो भी जिम्मेदारी देगी, उसे मैं अपनी पूरी ताकत के साथ, उस पर पूरी एनर्जी के साथ मैं काम करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। मुझे किस रोल में पार्टी देखती है, पार्टी का नजरिया है। मैं जिस उद्देश्य से आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और उसमें मुझे एक कार्यकर्ता के नाते उस पार्टी के जो मिशन है, जो उनका प्लान है, जो उनका एक देश को समृद्ध और सशक्त बनाने का जो नजरिया है, उसमें मैं अपना क्या योगदान दे सकता हूं, उसके लिए मैं पार्टी में प्रवेश किया। अनुज शर्मा की अपनी क्या इच्छा है? कुछ तो आपकी भी होगी कि नहीं चुनाव में लड़ूं पहुंचूं, अपनी भी एक इच्छाएं होती हैं। देखिए, मैं आपको सच बताऊं कि लोग वैसे मुझे बहुत प्यार करते हैं और उनके बीच जाना चाहता हूं, उनके लिए काम करना चाहता हूं। मुझे बहुत प्यार मिला है छत्तीसगढ़ से। मैं क्या मांगूंगा, मैं जो चाहता था उससे ज्यादा दिया है छत्तीसगढ़ ने मुझे, यहाँ की जनता ने उससे ज्यादा दिया है। तो उसके बाद और कुछ ख्वाहिश रखना या मांगना, ये मुझे मेरे लिए बहुत उपयुक्त नहीं लगता है। जो जनता जनार्दन, एक सामान्य सा भाटापारा में पैदा हुआ लड़का एक मोहल्ले से आके छत्तीसगढ़ी फिल्मों का स्टार बनता है, उसको पद्मश्री जैसा सम्मान मिलता है और उसको कितनी बार बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलता है, कितनी सारी फिल्में हिट होती हैं, ये सब छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने किया है, जो मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां तक आऊंगा, इस तरह से कभी रहूंगा। तो मेरे पास मांगने की तो जगह ही नहीं बनती है, मुझे तो जो दिया छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने दिया है, उनकी मर्जी। भारतीय जनता पार्टी मुझे जो काम बोलेगी उस काम को करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं तो बस लोगों के साथ रहना चाहता हूं। पिछले चुनाव में भी चर्चा थी भाटापारा से अनुज शर्मा कैंडिडेट होंगे, तो वो 2018 का क्या 23 में होगा सफर? देखिए, ये सब चर्चाओं का दौर तो हर, जैसे ही राजनीतिक का माहौल आता है, चुनाव का माहौल आता है, चर्चाओं का दौर भी गर्म हो जाता है और बहुत सी चर्चाएं चलते रहती है और आपको आगे भी चर्चाएं सुनने को मिलेंगी।
क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ चुनाव में भी भाजपा का क्या स्कोप आपको नजर आ रहा है, क्योंकि 2018 में बड़ी हार मिली, फिर बहुत सारे उपचुनाव हुए उसमें हार मिली, अभी भी माना जा रहा है कि कांग्रेस बहुत लगातार एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या स्कोप देख रहे हैं, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, इस पार्टी की रीति नीति पूरा देश मानता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है उसके काम को सब लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश तो मानता है, लोकसभा में बड़ी जीत मिली, मैं उसी में आ रहा हूं। प्रदेश क्यों नहीं मानता? मैं उसी में आ रहा हूं। 15 साल से हमारी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और 15 साल के बाद एक बहुत लंबा समय होता है, और आज आप देखिए कि कोई खुश नहीं है, ना गांव में कोई खुश है, ना कोई युवा खुश है। अब पीएससी जैसा घोटाला होता है जहां क्या क्या हो रहा है पूरी दुनिया जानती है, लोग ऐसे बोलने लगे हैं कि अब पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कितना भी पढ़ाई कर लें सिलेक्शन तो उन्हीं का होना है जिनका तय कर पर रहा है। किसानों को डायरेक्ट पैसे दिया जा रहा है, अब बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है, उसके नॉर्म्स देखिए, आप सारी चीजों को देखिए, कैलकुलेट करिए, तब आपको सारी चीजें समझ में आई। आप ग्राउंड देखिए, होता क्या है, बोल देना और कह देना और करना, और उसमें ऐसा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देना इस सरकार की अदा है, और मुझे लगता है वो चीज अब छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई कि हमें किस तरह से छला जा रहा है, बोलने का कुछ करने का कुछ। देखिए, तो वो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी आप देखेंगे, जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको लग रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता ग्राउंड में जाएंगे या पहुंच चुके हैं, या आप ये बातें पहुंचा पाएंगे, क्योंकि 2018 में एक बड़ा रीजन था कार्यकर्ता नाराज थे? पूरे कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, और इस बार आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, और आप देखेंगे कि जो जो गलतियां इस सरकार ने की है इनका पूरा भांडाफोड़ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। वो तो 75 और 80 का टारगेट मान के चल रहे हैं। देखिए क्या होता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं, और उन्हें इस भ्रम में जीना भी चाहिए। देखिए, भ्रम में तो कोई भी रह सकता है, सच्चाई तो आपको रिजल्ट आने पे पता चलेगी। रामायण महोत्सव भी है, राममय भी है छत्तीसगढ़, आए शरण में। भारतीय जनता पार्टी राम की राह पे चलने वाली पार्टी है, राम मंदिर की बात करने वाली पार्टी है। आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, जनवरी में उसका उद्घाटन हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है जो भारतीय संस्कृति परंपराओं के साथ चलना जानती है, और ये नकल तो आप कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा कब उठाया था? राम की राह पे तो भारतीय जनता पार्टी चलने वाली। तो वो बोलते हैं चंदखुरी का मंदिर हमने बनवाया, रामायण महोत्सव हमने करवाया। देखिए, अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा समय तक कांग्रेस ने शासन किया, तब याद नहीं आई थी उनको। अब जब सबको समझ में आ रहा है कि देश अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं को लेकर सचेत हो रहा है, जागरूक हो रहा है, तो सबको आना पड़ेगा। लेकिन ये छल है, ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। फिल्म एक्टर हैं और अब बहुत टॉप के यहाँ के सुपरस्टार हैं, क्या फायदा राजनीति में इसका मिलता है, क्योंकि लोग पहले से आपको जानते हैं, पॉपुलैरिटी होती है। एक अभिनेता जब नेता बनता है, क्योंकि बहुत से नेता अभिनेताओं को हमने नेता बनते देखा है, कुछ सफल होते हैं कुछ नहीं भी चल पाते हैं, आपको क्या लग रहा है किस तरीके का फायदा मिलेगा अभिनेता होने का? देखिए, सब लोगों का स्नेह और आशीर्वाद तो हमेशा मुझे मिला है, तो आपको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होता है। लेकिन लोगों के बीच मैं जिन बातों को रखना चाहता हूं, उन बातों को लेकर जाना चाहता हूं, उनकी बातों को सुनना चाहता हूं, और राजनीति जो एक मीडियम है लोगों से मिलके, मैंने कहा ना कि यहां के लोगों के विकास की बात होनी चाहिए। बोलने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ियों को इसका क्या फायदा मिलता है, छत्तीसगढ़ को क्या फायदा मिलता है, छत्तीसगढ़ी को क्या के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए तो प्रायोरिटी यही है। अभिनेता बहुत से फेल होते हैं, वो भी आपने देखा होगा, आपको क्यों लग रहा है आप सफल होंगे, क्या वजह है? क्योंकि बड़े बड़े स्टार, अमिताभ बच्चन जैसे स्टार को वापस आना पड़ा था फिल्मों में, राजनीति छोड़ दिया उन्होंने, आप भी यहाँ के सुपर स्टार ही हैं। देखिए, सफलता असफलता को मैं नहीं मानता, मैं एक चीज मानता हूँ कि मैं जिस भी क्षेत्र में काम करता हूँ बहुत मेहनत से काम करता हूँ। मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो एक अच्छा छात्र था, मैं फौज में जाना चाहता था तो मैंने स्काउटिंग में राष्ट्रपति अवार्ड किया, एनसीसी में सी सर्टिफिकेट किया, ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट किया। मैं जब मार्केटिंग में था तो बहुत अच्छा सेल्स पर्सन था। जब मैं सिनेमा में आया तो मैंने अपने आप को ये साबित किया कि भाई मैं फिल्मों में लंबा समय तक परफॉर्म कर सकता हूँ, मैंने 23 साल तक सिनेमा अभी तक किया हुआ है।
मैं कोशिश करूंगा राजनीति में जो मुझसे अपेक्षाएं हैं, जो मुझसे आशाएं हैं, उसको पूरा कर सकूं, उसके लिए भरपूर मेहनत कर सकता हूं। मेरी फिल्म का एक डायलॉग है कि और फल देना ऊपर वाले का काम है, तो फल देना ऊपर वाले का काम है। मैं इतना जानता हूं कि मुझे मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए। अभी कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव में, क्या कुछ टारगेट या कुछ बात हुई कि क्या रोल मिलेगा आपको, किस तरीके, या आपने कुछ तय किया है कि कुछ महीने में क्या कैसे करना है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, पार्टी का जैसा निर्देश होगा उसके अकॉर्डिंग फिर मैं काम करूंगा। गांव में मुझे लग रहा है शायद ज्यादा इस्तेमाल आपका किया जाएगा, क्योंकि वहां जो दीवानगी आपको लेकर है। जी, मुझे ऑब्वियस है कि मुझे ज्यादा प्यार ग्रामीण क्षेत्रों में से मिलता है, शहर में भी मिलता है, और मुझे भी पसंद आता है कि मैं गांव ज्यादा जाऊं। कौन से इलाकों में जाना पसंद करेंगे, क्या भाटापारा के आसपास? वैसे मुझे लग रहा है कि पार्टी चाहेगी ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। देखिए, मैं तो आप मान के चलिए कोरिया से लेके मैं कोंटा तक कार्यक्रम करता हूं, और हर जगह मुझे प्यार और आशीर्वाद मिलता है। मेरे लिए तो मेरा छत्तीसगढ़ है कि जहां मुझे दायित्व मिलेगा कि आप इस जगह पे ये काम करिए, इस क्षेत्र में आप जाइए, इस क्षेत्र पे काम करिए, जहां मुझे आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। छॉलीवुड का कितना सपोर्ट मिलेगा आपको, क्या लग रहा है आपकी अपनी इंडस्ट्री जहां इतना वक्त आपने बिताया? देखिए, क्या होता है कि जब किसी राजनीतिक दल में किसी कम्युनिटी से कोई आता है, और अगर उस कम्युनिटी में उनकी अच्छी दखल हो, जैसे सिनेमा इंडस्ट्री में मैंने इतने साल काम किया, तो डेफिनेटली उन लोगों की कुछ ना कुछ बातें होती कि इनको पता है कि अब हमारी बातें आसानी से उस लेवल तक, उस स्तर तक पहुंच सकती है, या हमारे पक्ष को रखने वाला कोई व्यक्ति है। यह तो सभी के मन में बात होगी, और मैं प्रयास करूंगा कि छॉलीवुड की बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं, यहाँ की कला संस्कृति के लिए जो बेहतर कर सकते हैं, उन बातों को मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से रख सकूं, और उसके लिए जो बेहतर प्रयास हो सकते हैं वो मैं कर सकूं। क्या अच्छा लग रहा है आपको हॉलीवुड में, क्या कुछ करने की जरूरत है? अगर अनुज शर्मा विधायक बन जाते हैं तो क्या पसंद करेंगे हॉलीवुड के लिए, किस तरीके की आप काम करेंगे, क्या उनके लिए डिमांड रखेंगे? देखिए, मैं क्या बनता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मैं क्या करता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा की एक जो जरूरत थी कि एक फिल्म विकास निगम की पॉलिसी आए, सरकार ने पॉलिसी तो बनाई, उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जब ये पॉलिसी आई थी तो मैंने कहा था कि धरातल में इसको कितना क्रियान्वित कर पाते हैं यह देखने की बात होगी। आज तक क्रियान्वित नहीं हो पाया, बस गजेटियर में आपने छपवा दिया, विज्ञापन दे दिया, बात हो गई। धरातल में एक अभी तक सब्सिडी के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसका फॉर्मेट नहीं बन पाया है। पर हम तो सुनते हैं कि बहुत सी वेब सीरीज बन रही है, इन पॉलिसीज की वजह से लोग आकर्षित हो रहे हैं छत्तीसगढ़। आप पूछ लीजिए किसी फिल्म को सब्सिडी का डॉक्यूमेंट उनका आया क्या, और आया तो फिर किसने सांठ गांठ करके किया? आप जाके एक बार पता करिए कि क्या आपके लिए एक फॉर्मेट है, क्या किसी फॉर्मेट में कि हम अप्लाई कर सकें। आप पूछिए, आपको नकारात्मक जवाब मिलेगा। आपका कहना है कि जो वेब सीरीज करने लोग आ रहे हैं वो साठ गांठ या कुछ करप्शन? नहीं नहीं, अगर किसी को मिला होगा तो, मेरी जानकारी में, मेरे ज्ञान में अभी तक किसी को सब्सिडी नहीं मिली। एक फिल्म आई थी भूलन द मेज, जिसको तुरंत तुरंत में, वो तो क्रेडिट लेने वाली बात हुई, फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने एक दे दिया। उसके बाद आप देख लीजिए, कोई किसी फिल्म को एक रुपए सब्सिडी की नहीं मिली, और एक मेरे ख्याल से प्रपोजल भी नहीं जमा हो पाया, बिकॉज फॉर्मेट तय नहीं हो पाया। मतलब आपको कहना सिर्फ बातें हुई हैं? बातें हुई, हवा, हवाई हवाई किला है पूरा। क्यों फिर इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पर, इंडस्ट्री यहाँ पर शूटिंग वगैरह बहुत? सबका भ्रम टूटेगा ना, भ्रम पैदा किया गया है, भ्रम में तो आदमी फंसता है ना। मैंने बोला ना, धरातल में करने की बात होती है। क्या क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि आप उठाएंगे जाकर? देखिए, इस विषय पे मैं भी विचार करूंगा कि किन चीजों को ले जाने की जवाबदारी मुझे मिलती है, तो वो जो विषय तय होंगे, जिस क्षेत्र में मुझे काम करना, फिर उन बातों पे मैं विचार करके फिर आगे काम करूंगा। एज ए एक्टर कोई बंदिश नहीं होती थी, आप तय करते थे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब आप नेता भी हैं तो बड़ा संभल कर भी बोलना होता, कई बार जबान फिसलती है और विवाद और चर्चा भी हो जाती है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं एक चीज में यकीन रखता हूं कि मैं बोला जाए तो मैं एक उसूल की राजनीति होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं अलग फील्ड से आया हूँ, और एक राजनीति की अपनी एक मर्यादा होती है, भाषा का की भी अपनी एक मर्यादा होती है। मैं कोशिश करूँगा इस बात की, और भरसक प्रयास करूँगा कि मैं इन सब चीज़ों से बच सकूँ, और एक राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए आपस में, विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, इस बात
का मैं समर्थन करता हूं हमेशा। मैं अपने विचारों को, अपनी पार्टी के विचारों को लेकर जरूर मुखर होऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप ऑफिशियली यहां आ गए हैं बीजेपी में, तो आप पर विपक्ष के आरोप भी होंगे, अटैक भी होंगे, तैयार है उन सबको झेलने के लिए, कैसे जवाब देंगे? देखिए वो चीजें तो होंगी, और इन चीजों के लिए आप, जब मैं इसमें नहीं था राजनीति में तो भी होता था, फिल्म लाइन में भी ऐसा होता है, आपके लिए गॉसिप्स चलती हैं, आपने जो नहीं किया है उसका भी इल्जाम आप पे लगता है। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो आपका कहना अभिनेता को आदत होती है आलोचना झेलने की? हाँ, हम तो आलोचना झेलते हैं, और कभी मैं समालोचना की हमेशा स्वागत करता हूं। आलोचना नहीं होनी चाहिए, समालोचना होना चाहिए कि आपने अगर जो चीज, समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन राजनीति में ऐसा होता है कि कुछ लोग इन बातों से आगे हटके करते हैं, मैं उसके लिए तैयार तो रहना पड़ेगा। हमने देखा है प्रचार में आप जाते थे तो आप एक्टर ही नहीं, अच्छे सिंगर भी हैं और लोगों को लुभाते भी हैं अपने गीतों के जरिए, अपनी आवाज के जरिए। तो हम चाहेंगे कि अभिनेता से नेता बन गए अनुज शर्मा, तो कुछ लाइनें गुनगुनाएं हमारे लोगों के लिए। देश माया के भारत गीता, दाई ददा मोर राम सीता, दया माया मोर परवा छानी, पर के सेवा मोर सिखानी, इही मोरे जिन गानी, मैं लहरियाओं रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओं रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़ियाओं रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओं रे। बहुत बढ़िया अनुज जी, और छत्तीसगढ़िया वाला ये गाना आपने गाया है, छत्तीसगढ़िया वाद भी आजकल बड़ा पीक पर है, बाहरी वर्सेस भीतरी, आपकी पार्टी पर बाहरी लोगों को लाने का, और मौजूदा सत्ता जो है, सरकार है, उसका कहना हम लोकल लोगों को बहुत बढ़ाया है, हमने छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा मान सम्मान को बढ़ाया है। देखिए बोलने और करने में फर्क होता है, भारतीय जनता पार्टी करने वाली पार्टी है, छत्तीसगढ़ राज किसने बनाया? पर यहाँ के लोग उपेक्षित हो गए, वो कहते हैं त्योहारों को, आप देखिए मैं तीज त्योहार को बड़ा प्रमोट किया। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए छत्तीसगढ़ राज किसने बनाया, बात है करने की और दिखाने की, दोनों में फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ियों के दिल के मर्म को समझा और छत्तीसगढ़ राज बनाया, कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई छत्तीसगढ़ राज। छत्तीसगढ़ राज में जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, आज छत्तीसगढ़ राज एक साथ बने तीनों राज्यों में सबसे आगे क्यों दिखाई देता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल यहां सरकार रही और उसने वो स्टेबिलिटी दी। देख लीजिए बाकी राज्य राजनीतिक तौर पर उतने स्थिर दिखाई नहीं देते, और छत्तीसगढ़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ किसी प्रदेश में नहीं हुआ जो साथ में बने। तो ये करने की बात है, तो कहने की बात अलग है। तीज त्योहार और परंपराएं और छुट्टियां, बहुत सारी तीज त्योहार मिली हैं, क्या लगता है इसका फायदा नहीं मिलेगा? वो तो समय बताएगा, लोग जब जान जाएंगे इस बात को, कहना और करने और दिखाने में फर्क होता है। चलिए अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो अनुज शर्मा जो कि अभिनेता से नेता बन चुके हैं, बहुत सदी हुई बात भी करने लगे, और छत्तीसगढ़िया लोगों की बात, उनका कहना है, अपनी पार्टी की बात वो अब ऑफिशियल तरीके से पहुंचाएंगे बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ने की बात पर। हालांकि बहुत पत्ते खोले नहीं उन्होंने, लेकिन सभी जानते हैं कि अगर चर्चा में है, चर्चित चेहरे हैं, तो पार्टी भी चाहेगी कि इसका लाभ पार्टी को मिले। तो बहुत सारी उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं भी अनुज जी को देते हैं कि विधानसभा पहुंचे वो। फिलहाल बात विभाग इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।